स्मृति ईरानी की सालों की मेहनत आखिरकार अमेठी में रंग लाई। इस सीट से वो राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देते हुए आखिरकार विजय हो गई। उन्होंने राहुल को उन्हीं के गढ़ में हराकर एक ऐतिहासिक जीत की मिसाल तैयार की है। वो पिछली बार अमेठी में राहुल गांधी से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हार गई थी। लेकिन भला इस बार स्मृति ने क्या जादू किया कि वो अमेठी की जनता के दिलों में उतर गई। आइए आपको स्मृति की जीत की उन 3 वजहों से वाकिफ कराते हैं। पहला, स्मृति की अमेठी में सक्रियता। 2014 में मिली हार के बाद भी स्मृति ने अमेठी के लोगों से लगातार मिलती रही। 2019 के चुनाव में तो वो कई हफ्तों तक लोगों के बीच रही, उनके दुख दर्द में साथ रही। कभी खेत में लगी आग बुझाई तो कभी भरी धूप में जनता के बीच खड़ी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्मृति बहुत तेजी से लोगों के दिलों में उतरती गई और यही जनसंपर्क उनकी जीत की बुनियाद बनी। दूसरा, गांधी राज में विकास का पहिया कमजोर। अमेठी गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है, पहले सोनिया गांधी फिर राहुल गांधी के पास रही। लंबे वक्त से इस क्षेत्र ने कांग्रेस परिवार को लोकसभा भेजा, लेकिन उसी कांग्रेस राज में अमेठी का विकास मानो थम सा गया, लोग विकल्प चाहते थे। इसी बीच स्मृति का जन जुड़ाव लोगों के लिए नई रोशनी लेकर आया। स्मृति ने उन्हें यकीन दिलाया कि आप मुझे विजय दिलाओ, मैं आपको विकास दिलाऊंगी। तीसरा, मोदी के साथ से जीतने की राह। देश भर में मोदी लहर छाई हुई है, लेकिन स्मृति के लिए मोदी मतलब जीत है, क्योंकि 2014 के चुनाव में मोदी ने स्मृति के लिए प्रचार करते हुए कहा था कि वो उनकी छोटी बहन की तरह है। मोदी द्वारा सराहे जाने से स्मृति देश भर में छा गई थी। इस बार भी अमेठी में मोदी मैजिक स्मृति को जीत दिलाने में मददगार साबित हुआ। खबर अपडेट की रिपोर्ट।